गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है बर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ द स्काई। ये क्लास 3 की बुक है, लिविंग ग्रीन, अ ग्रीन बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। चैप्टर नेम है बर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ द स्काई। Write T for true and F for false. Write T for true and F for false. जहां true रहेगा वहां पर क्या लिखना है, T लिखना है, और जहां पर false रहेगा वहां पर F लिखना है। Question number 1. Birds are the only animals that have feathers. पक्षी ऐसे जानवर है जिनके पास पंख होते हैं। True. तो यहां पर true होगा। 2 में है the feathers on the wings and tail help the bird in flying. पक्षियों के पंख और पूंछ उसको उड़ने में मदद करते हैं। True. The type of a food a bird eats depend on the shape of its teeth. False. क्योंकि पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, उनके बीक होते हैं। बीक मतलब चोंच होते हैं, और चोंच के द्वारा ही वो अपना भोजन कर पाते हैं, और उसी पर वो डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार का भोजन करें। 4 में है क्लास हेल्प बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस एंड ग्राब्स देयर प्रे। यानी कि पक्षियों का जो पंजा होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी भी प्रकार के भोजन को पकड़ने में और शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। ट्रू। द ह्यूमिंग बर्ड हैज़ वेब्ड फीट। एक यानी कि ह्यूमिंग बर्ड को झिल्लीदार पंजा होता है। नहीं, फॉल्स। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में बनाया है। फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स शेड देयर फेदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। पक्षियां जो होते हैं समय समय पर अपना पंख को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। 2 में क्रेन्स कैच फिश विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग बीक्स। क्रेन्स जो होते हैं, क्रेन जो पक्षी होते हैं, वो अपने लॉन्ग बीक्स की मदद से यानी कि मछलियों को पकड़ लेते हैं और अपना भोजन कर लेते हैं। 3 में है बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। यानी कि पक्षियों के पास टीथ नहीं होते हैं। एंड यूज देयर बीक्स टू ईट फूड। यानी कि वो अपना भोजन करने के लिए बीक्स का इस्तेमाल करते हैं। 4 में है क्लास हेल्प बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस एंड कैच देयर प्रे। यानी कि पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो ब्रांचेस को पकड़ने में और किसी भी चीज को पकड़ने में, किसी को भी शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। रीड द क्वेश्चन स्पॉट एंड सर्किल इन द ग्रिड। क्वेश्चन को रीड करना और सर्किल करना ग्रिड में। पहला में है 1 में व्हाट डू बर्ड्स शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फेदर्स। पक्षी जो है समय समय पर क्या झाड़ देते हैं, तो फेदर्स झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। नेम अ माइग्रेटोरी बर्ड। एक प्रवासी पक्षी का नाम। आर्कटिक टर्न। विच बर्ड स्टिचेस बिग लीव्स टूगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। कौन ऐसा पक्षी है जो बड़े बड़े पत्तों को सिल करके एक नेस्ट बना लेते हैं, तो है टेलर बर्ड। 4 में है विच बर्ड हैज अ हुक्ड शेप्ड बीक। विच बर्ड हैज अ हुक्ड शेप्ड बीक। पैरोट। कौन सा पक्षी है जिसका बीक जो है हुक्ड शेप्ड का है। पैरोट। 5 में है विच पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी हेल्प्स इट टू होल्ड ऑन टू ब्रांचेस। क्लॉज। पक्षी का कौन सा भाग है जो ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करता है, जो किसी भी शाखा को पकड़ने में हेल्प करता है। क्लॉज यानी कि पक्षियों का पंजा। 6 में है विच बर्ड हैज वेव्ड फीट। कौन सा पक्षी ऐसा है जिसका झिल्लीदार पांव है। डक। नेम अ बर्ड That use its strong claws to hold its prey firmly. एक पक्षी का नाम बताना है जिसका जो strong claws है, एकदम मजबूत पंजा है, जो अपने किसी भी शिकार को एकदम सख्ती से पकड़ लेता है। ईगल। और इस तरह से ये बनेगा। फेदर्स, क्लॉज, आर्कटिक टर्न, पैरोट, टेलर बर्ड, ईगल एंड डक। चैप्टर 8 बर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ द स्काई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट मेक्स बर्ड यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम ऑल द
ऑल अदर एनिमल्स. पक्षियों में क्या ऐसा यूनिक है और डिफरेंट है जो दूसरे से अलग बनाता है, अलग होते हैं? द आंसर इज बर्ड्स आर यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स बिकॉज बर्ड्स हैव फेदर्स कवरिंग देयर बॉडीज व्हाइल अदर एनिमल्स डू नॉट हैव फेदर्स. बर्ड्स जो होते हैं, पक्षियां जो होते हैं, यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं दूसरे जानवरों से, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को ढकी हुई रहती है, और जबकि दूसरे जानवरों के पास फेदर्स नहीं होते हैं. ये भी उनमें एक क्वालिटी है पक्षियों में कि वो उड़ सकते हैं लेकिन अदर एनिमल्स उड़ नहीं सकते हैं. टू में है हाउ आर विंग्स हेल्पफुल फॉर अ बर्ड, यानी कि पक्षियों में जो विंग्स होते हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं. द आंसर इज विंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग. पक्षियों में यानी कि पंख पक्षियों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है जो उसको उड़ने में मदद करता है. टूरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षियां क्या है? द आंसर इज माइग्रेटोरी बर्ड्स आर दोज दैट फ्लाई एग्जाम्पल, यानी कि अलग अलग पक्षियों को अलग अलग बीक होते हैं, एग्जाम्पल देना है. द आंसर इज डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक बिकॉज द टाइप ऑफ फूड अ बर्ड इट्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ इट्स बीक. एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्ग हुक शेप्ड बीक ऑफ पैरोट हेल्प्स देम टू ईट नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स, यानी कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग बीक होते हैं, अलग अलग चोंच होते हैं, क्योंकि उन्हीं के आकार पर डिपेंड करता है कि उनका खाना कैसा हो. जैसे कि ये पैरोट है, हुक शेप्ड बीक ऑफ पैरोट हेल्प देम टू ईट नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. द आंसर इज बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर बेबीज. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर बेबीज. बर्ड्स जो है घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडे देने के लिए और अपने बच्चे को लाने के लिए वो अपने घोंसले को बनाते हैं.